वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिखाएंगे आपको बड़ियों की सब्जी। मूंग की दाल की बड़ियां हैं जो हम कैसे बनाते हैं। अभी आपको मालूम है कि ये सूखी सूखी सब्जी, अगर मूंग की बड़ियां हम घर में रखेंगे तो इजीली हम आलू के साथ इसको बना सकते हैं। बड़ी ही चटपटी है। चलिए बनाते हैं, बहुत बढ़िया है, मिलके बनाते हैं। चलिए, जो मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं साइन लैंग्वेज भी यूज़ करती हूं, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स डमन डफ फ्रेंड्स भी हैं। फ्रेंड्स, हमने मूंग की बड़ियां ली हैं, इनको हम डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल डाला है कुकर में। फ्राई हो गई है, अब हम बाहर निकालते हैं इसको। फ्रेंड्स, हम सेम पैन मतलब कि कुकर यूज़ कर रहे हैं। एक छोटा प्याज, लहसुन 5-6 कलियाँ और 1 इंच जिंजर को हमने काटा है, इनको हम डाल रहे हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे, हम इसको ब्राउन होने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम टमाटर ले रहे हैं। हमने 2 टमाटर लिए हैं और 2 मिर्च लिए। ये मिर्ची काफ़ी तीखी होती है, वो डाल के हम इनको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड के साथ साथ हम अपने कुकर में जो हमने प्याज डाला है उसको भी फ्राई कर रहे हैं बीच बीच में। हमने जो बड़ियां फ्राई करी थी उनको हम क्रश कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, जिससे ये अच्छे से गल भी जाए और खाने में भी बहुत अच्छी लगे, जो मिक्स हो जाएगी हमारी ग्रेवी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने इंडियन बेसिक मसाला डालते हैं। क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, ये हम अब डालते हैं इसमें। अब हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से फ्राई करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, कि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है, थोड़ा इसके अंदर से ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। अब हम इसके अंदर टमाटो वाली ग्रेवी डाल देंगे। से इसको भुनना है हमने।
जब मसाला काफ़ी अच्छे से भुन जाए तो अब आप इसके अंदर आलू डाल देंगे। आप अच्छा सा फ्लेवर बनाने के लिए 3 लौंग ले लेंगे, उनको कूट कर क्रश करके इसमें मिला देंगे। हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसके अंदर मूंग की बड़ियां डाल देंगे। इनको भी हम इसी के अंदर थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप गरम मसाला डाल दीजिए। आप देख लीजिए किस तरह की ग्रेवी आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से पानी डाल देंगे इसमें। तो हमको इतना ही पानी चाहिए, तो देख लीजिए इतना पानी डाल के ये काफ़ी गाढ़ी वाली हमारी रेसिपी बनेगी। इसका ढक्कन लगा के हम 1 सीटी का वेट करेंगे। एक सीटी आ गई है, इसका प्रेशर भी ख़त्म हो गया। अब हम कुकर खोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर और कितना सुंदर रंग आया है। रियल में हमारी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। ऑल माय बिगनर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। जिस तरह से मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है, आप वैसे ही करिएगा, आपकी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, सी यू।